अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम अभी सो के उठे, जहर की नमाज के बाद सो गए थे, उठे तो देखा बाहर तो जी मौसम हो गया था कुछ ऐसा, बादल आए हुए थे और बारिश हो रही थी, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है था जी आज का। तो अभी जो है हम बाहर आए हैं, तो सब सुनाएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, मौसम भी बहुत ही हसीन है, अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी है। तो आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, अभी हमने की है जी जो है शॉपिंग बच्चों की थोड़ी सी ईद के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये मैंने एक दिन पहले का क्लिप बनाया था बारिश का, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जी, ये है थोड़ी सी शॉपिंग, बस हमने जो है ना सिर्फ बच्चों की शॉपिंग की है, मैंने अपने लिए शॉपिंग नहीं की, तो क्योंकि ईद जो है बच्चों की ही होती है, तो बच्चे ही खुश होते हैं ईद पे, तो उन्हें ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ईद की। तो हबीबा जो है वो ज़िद कर रही थी, तो हम गए थे जी बाज़ार, वहाँ से जो है इनके लिए फिर शॉपिंग की, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दें, आपको भी दिखा दें। अच्छा ये है जी फ्रॉक हबीबा का, ये हमने लिया है, और ये जो है ना शॉर्ट फ्रॉक है हबीबा का, और इसके साथ जो है ना वो है पैंट, पैंट भी बहुत ही प्यारी है, मतलब पैंट के साथ जो है ना ये शॉर्ट फ्रॉक जो है ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये हमने लिया है जी हबीबा का, उसके साथ फिर ये है पैंट, और ये हबीबा हमारे साथ गई थी, तो जी उसने जो है ना खुद ही पसंद किए थे अपने कपड़े, तो उसने ये देखा और कहा कि नहीं मैंने ये लेना है मम्मा, तो मैंने कहा चलें जी पहनना भी आपने है तो आप लें। अच्छा फिर उसके बाद हमने जी लिया था ये वाला छोटू सा सूट अहमद के लिए, अहमद मेरे जो है ना देवर का बेटा है, तो उसके लिए हमने फिर ये लिया था जो है ना ये शर्ट, और ये नीचे जो है निकर, गर्मियों के लिहाज से जो है ना ये ठीक लग रहा था, तो अभी गर्मियां भी शुरू होने वाली हैं। अच्छा फिर ये है जी हबीबा का दूसरा फ्रॉक, क्योंकि ईद के बाद जो है ना ईद के फौरन बाद ही हमारे यहाँ जो है वो शादियां जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं, दो मेरी कज़न्स की शादियां हैं, तो उन शादियों पर भी पहन लेगी, और एक जो है वो ईद पर भी पहन लेगी, बाकी जो है ना उसकी फुफ्फो ने भी जो है हबीबा और अरीबा के सूट जो है ना वो सिलाई किए हुए हैं, वो भी लेके आएगी। अच्छा फिर ये है जी अरीबा का, अबीबा और अरीबा का जो है ना सेम मैच हो गया था जो है ना फ्रॉक, तो मैंने ना इन दोनों का सेम ही लिया है अब बेबी पिंक में, यहाँ पे थोड़ा सा ना इसका कलर जो है ना थोड़ा जो है हल्का आ रहा है, लेकिन इसका कलर बहुत ही प्यारा है। अच्छा फिर ये हबीबा के शूज़ हमने लिए थे, क्योंकि मैंने ना ब्लैक कलर में इसलिए लिए हैं क्योंकि ये जो है हर सूट के साथ हर फ्रॉक के साथ चल जाते हैं, तो हबीबा को भी पसंद आए थे तो मैंने उसके लिए फिर ये लिए थे। अच्छा ये हैं जी अरीबा के शूज़, अरीबा के जो शूज़ है ना उसके फ्रॉक के साथ मैच हो गए थे, तो हमने फिर ये अरीबा के लिए लिए थे शूज़। अच्छा जो कीमतें हैं ना इनकी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे हमको ये सारा हमने जो है ना शॉपिंग की है। अच्छा फिर ये जी मेरे मियाँ जी ने लिए थे अपने लिए, वो मुझे कह रहे थे कि आप ले लें अपने लिए शूज़, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेने आप ले लें। तो फिर ये है जी बटरफ्लाई वाली क्लिप जो है ना मैंने अरीबा के लिए ली थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और अरीबा का जो सूट मैंने लिया ना फ्रॉक उसके साथ भी मैच थी। फिर उसके बाद ये छोटी मोटी चीज़ें, ये चूड़ियाँ वगैरह जो हैं ये हमने ली, और बस यही है हमारी शॉपिंग जो है ना छोटी मोटी हमने की है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला सूट, मैंने जो है ना वह सूट नहीं लिया, ये मेरे पास जो है ना पिछले साल मैंने ली थी शर्ट, तो वो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ये मैंने सिलाई की है। ये जो आप ऊपर ये बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये बहुत ही पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था, मुझे अम्मी ने दिया था, तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। इसकी जो है थोड़ी सी स्टाइलिंग भी हो गई है, और जो है ये ईद पर मैंने सोचा कि ईद पर जो है ना मैं पहन लूँगी, तो ये शर्ट मेरे पास थी, तो इसकी जो है मुझे ना शलवार जो है ना ट्राउज़र का कपड़ा भी लेना था, तो मैंने इसके साथ फिर जो है रेड कलर में शलवार भी ली। अच्छा इसके इस तरह बाजू है, फिर अच्छा फिर जो है ना मैंने मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, फिर मैंने इसके साथ जो है ना ये रेड शलवार ली है, और मेरे पास क्योंकि रेड दुपट्टा भी है, तो जो है मैंने कहा कि जो है ना शलवार और दुपट्टा जो है ना सेम रख लेती हूँ, और जो ये ऊपर शर्ट है ये थोड़ी सी प्रिंटेड हो जाएगी। अच्छा जी फिर अरीबा को मैंने चूड़ियाँ भी पहनाई थी, ये देखें पहनवाई थी वहाँ से शहर से, ये अरीबा का कि ये देखें मैंने ना वो पूरे एक एक सेट पहनाया था, लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे। अच्छा ये फिर घर पहनने के लिए अरीबा के शूज़
लिए थे और रीबा को मैंने दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनाई थी, तो ये आज बहुत ही खुश थी शहर जाके। फिर मैंने भी चूड़ियाँ पहनी, मैंने सिर्फ ईद के लिए जो है ना शहर से बस ये चूड़ियाँ ही पहनी है, दाएँ हाथ पे और ये आप बाएँ हाथ पे मैंने पहनी है। और उसके बाद जो है हबीबा के लिए भी घर पहनने के लिए शूज़ लिए हैं। अच्छा जी, ये है मेरे आजकल व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।